गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग और वीक। ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा। तो आज हम स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी स्टोरी है। तो स्टोरी में क्या है, तो वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टोरी इसकी है क्या। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक बगीचे में एक आम का पेड़ लगा था। जो आम का पेड़ था वो बहुत ही बड़ा था और मजबूत था, और उसी के पास एक छोटा सा पौधा तुलसी का लगा हुआ था। तो जो आम का पेड़ था वो तुलसी के पौधे का अक्सर मजाक उड़ाता रहता था। तो वो उससे कहता है कि देखो मैं कितना सुंदर, कितना बड़ा और कितना विशाल हूँ, और तुम कितनी छोटी सी हो। तो इस पर तुलसी ने जवाब दिया कि मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी अपनी विशालता पे घमंड नहीं करना चाहिए, और जो तुम हो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम गिर जाओगे, नीचे पड़े होगे। तो इन बातों को, जो आम का पेड़ था तुलसी की, इन बातों को इग्नोर कर दिया, यानी कि उसकी कोई भी परवाह, उसकी बातों की कोई भी परवाह नहीं की, अनदेखा कर दिया उसकी बातों को, और फिर वो अपनी तारीफ करता रहा। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज़ हवा आई तो जो आम का पेड़ था वो सीधा खड़ा रहा और अपनी पत्तियों को फैलाए हुए सीधा खड़ा रहा। लेकिन जो तुलसी का पौधा था छोटा सा, तो वो जैसे हवा का झोंका तेज चलता, वो हवा के झोंके से वो क्या कर रही थी, झुकी जा रही थी। तो ये देख करके आम का जो पेड़ था उसका और मजाक उड़ाता, और इससे तुलसी को बहुत दुख होता है। एक दिन क्या हुआ, बगीचे में बहुत तेज़ आंधी आ गई, बहुत तेज़ आंधी आ गई, जिससे जो आम का पेड़ था वो सीधा खड़ा रहा, सीधा खड़ा था, एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा था, और उसकी पत्तियां भी सीधी, मतलब अपने फैलाए हुआ था। लेकिन जो तुलसी का पौधा था छोटा सा, वो जैसे बहुत तेज़ आंधी जो आ रही थी उससे बार बार वो झुका जा रहा था। जब जैसे ही आंधी का झोंका आता वो बहुत तेज़ी से झुक जाता था, इतनी तेज़ी से झुकता था कि वो ज़मीन को टच कर जाता था, छू जाता था। तो इस तरह से आम का पेड़ उसे देख रहा था, लेकिन आंधी काफ़ी लंबे समय तक आ रही थी, यानी कि बहुत टाइम हो रहा था, काफ़ी समय हो गया था, वो आंधी रुक नहीं रही थी। तो आम का पेड़ जो है वो उस आंधी को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आंधी क्या थी, वो तेज़ और तेज़ और तेज़ होती जा रही थी, यानी कि तूफान का रूप ले रही थी। तो अंत में क्या होता है कि जो है, जो आम का पेड़ था वो अपने आप को मजबूती से खड़ा रखता है, लेकिन बाद में क्या होता है, उसकी जो शक्ति होती है वो आंधी के आगे कमज़ोर पड़ जाती है और वो गिर जाता है। तो इस तरह से वो घमंडी पेड़ ज़मीन में गिर जाता है। जब आंधी रुकती है तो तुलसी चारों तरफ देखती है, और वो देखती है कि आम का जो घमंडी पेड़ था वो नीचे गिरा पड़ा है। तो और जो तुलसी थी वो झोंकों से जो मुड़ रही थी, लेकिन जब आंधी रुकी तो वो फिर सीधी खड़ी हो गई। तो हमें भी हमें इससे मोरल क्या मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। तो इस स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं, तो उसे देख लेते हैं कि क्या है। तो गार्डन, गार्डन मीन्स बगीचा, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, हार्मफुल मीन्स हानिकारक, इग्नोर मीन्स अनदेखा करना, स्ट्रॉन्ग मीन्स आंधी या तूफान, वीक मीन्स कमज़ोर, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, प्राउड मीन्स घमंड, स्ट्रेट मीन्स सीधा, फन मीन्स मजाक, स्प्रेडिंग मीन्स फैलाए हुए, प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। तो ये हमारा जो है लेसन से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो ये हमारी शॉर्ट स्टोरी थी। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।